आर्यन और पल्लवी की बातें अब तक जारी थी। पल्लवी की बात सुनकर आर्यन ने तेज आवाज में चिल्लाकर कहा, पल्लवी अब ये बेहतर होगा कि तुम अभय का ख्याल अपने दिल से निकाल दो, क्योंकि अब वो सिर्फ और सिर्फ सायशा से प्यार करता है। अब उसके दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। उसकी बात खत्म होते ही पल्लवी ने उसकी ओर गुस्से भरी नजरों से देखकर कहा, इसकी वजह भी तुम हो आर्यन। काश मैंने सही वक्त पर सही डिसीजन लिया होता तो आज मेरी जिंदगी इस तरह दोराहे पर ना खड़ी होती। उसकी बात खत्म होते ही आर्यन दांत पीसते हुए गुस्से से बोला, पल्लवी अब तुम सिर्फ मेरी हो और हमेशा मेरी रहोगी। मैं तुम्हें कभी अपने आप से दूर नहीं जाने दूंगा। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूंगा। मेरे जैसा दीवाना तुम्हें और कहीं नहीं मिलेगा। ये सारी बात कहते वक्त आर्यन की आवाज में जिद और उसका अजीब सा पागलपन झलक रहा था। पल्लवी ने गहरी सांस ली और बगैर कुछ कहे ऊपर बेडरूम की ओर चली गई। आर्यन जोर जोर से चिल्लाता रहा, पल्लवी आई लव यू, तुम्हें मेरा प्यार समझना होगा। अगली सुबह 9 बजे खन्ना पैलेस में अभय और सायशा डाइनिंग टेबल पर मौजूद थे। वो दोनों इस वक्त ब्रेकफास्ट कर रहे थे कि तभी वहां पल्लवी पहुंची। पल्लवी को अचानक वहां देखकर दोनों एक दूसरे को हैरान होकर देखने लगे, मानो वो खामोशी से एक दूसरे से कह रहे हैं कि ये यहाँ क्या कर रही है। उसे देखने के बाद दोनों ने उसे कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। दोनों ब्रेकफास्ट करने लगे। पल्लवी वहां रखे चेयर पर सेटल हो गई और उसने सायशा की ओर देख कर कहा, मुझे पता है कल रात जो कुछ भी हुआ तुम मुझसे बहुत नाराज हो और तुम्हें होना भी चाहिए। अगर तुम्हारी जगह मैं होती तो मैं भी नाराज होती। ये कहते वक्त पल्लवी की नजरें अभय और सायशा के फेस एक्सप्रेशंस पर थी, लेकिन वो उन दोनों के चेहरे के एक्सप्रेशंस से उन दोनों का माइंड नहीं पकड़ पा रही थी। इसीलिए उसने अपनी आगे बातें कंटिन्यू करते हुए कहा, मुझे पता है तुम दोनों मुझसे बहुत ज्यादा नाराज हो, पर जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं माफी मांगना चाहती हूँ। उसकी बात सुनकर सायशा ने उस पर नजर डाली और अपने पास खड़े सैंडी की ओर देखकर कहा, मैडम को ब्रेकफास्ट सर्व करो। पल्लवी ने भी सैंडी को नाश्ता सर्व करने से मना नहीं किया। कुछ सोचकर पल्लवी ने सायशा की ओर देखा और कहा, सायशा कल रात मेरी और आर्यन की बहस हो गई और आर्यन घर छोड़कर चला गया। मैंने उसे कॉल किया था लेकिन उसने मेरा कॉल रिसीव नहीं किया। ये कहते हुए पल्लवी ने नाश्ता करना शुरू कर दिया था। सायशा और अभय दोनों उसकी बातें सुनकर भी उसे इग्नोर कर रहे थे, लेकिन पल्लवी भी इतनी आसानी से हार नहीं मानने वाली थी। उसने आगे अपनी बात जारी रखते हुए कहा, जब तक आर्यन वापस नहीं आ जाता तब तक मैं कुछ दिनों के लिए यहाँ रहना चाहती हूँ। ये कहने के बाद वो सायशा की ओर सवालिया नजरों से देखने लगी। पल्लवी की बात सुनकर सायशा ने उस पर नजर डाली और सपाट लहजे में कहा, ये अभय का घर है या अभय का डिसीजन चलता है। अभय जो डिसीजन लेगा वही मेरा डिसीजन होगा। ये कहने के बाद सायशा ने हल्की नजर अभय पर डाली। अभय अब तक ब्रेकफास्ट कर रहा था। उसने बगैर पल्लवी से आई कॉन्टैक्ट किए ही जवाब दिया, उसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं और सायशा प्राइवेसी पसंद करते हैं। हमारी नई नई शादी हुई है, मैं नहीं चाहता कोई हमारी प्राइवेसी में दखल दे। उसकी बात सुनकर पल्लवी को अच्छा तो बिल्कुल नहीं लगा, लेकिन फिर भी उसने खुद को संभालते हुए कहा, डोंट वरी, मेरे रहने से तुम दोनों की प्राइवेसी में कोई डिस्टर्ब नहीं होगा। मैं आउट हाउस में चुपचाप रह लूंगी। उसकी बात खत्म होते ही वो बोल पड़ा, पल्लवी मैंने तुमसे कहा ना तुम यहाँ नहीं रह सकती। इस बात पर पल्लवी ने अपनी आवाज सख्त करते हुए कहा, तो फिर ठीक है, मैं किसी होटल में जाकर रह लूंगी। उसके बाद मीडिया वालों के सवालों के तुम ही जवाब देना। उसकी बात सुनकर अभय ने रिप्लाई किया, मुझे धमकाने की कोशिश मत करो, मुझे किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये बोलकर वो चुप हो गया। पल्लवी ने सायशा पर नजर डाली और कहा, सायशा तुम तो मेरी प्रॉब्लम समझने की कोशिश करो, प्लीज कुछ दिनों के लिए मुझे यहाँ रहने दो। उसकी बात सुनकर सायशा ने रिप्लाई किया, पल्लवी मैंने कहा था ना ये अभय का घर है और यहाँ अभय का डिसीजन चलता है। आई एम सॉरी, मैं तुम्हारी कोई हेल्प नहीं कर सकती। ये बोलकर वो अभय के साइड देखने लगी। पल्लवी ने कहा, अभय तुम दोनों मेरे साथ इतना रूड बिहेव कैसे कर सकते हो। अभय ने जवाब दिया, हमने तुम्हारी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेके रखी है। जब भी तुम्हारा जी आया तुम यहाँ रहने चले आओ, ये हमारा घर है, कोई सराय खाना नहीं है। ये बात तुम जितनी अच्छी तरह समझ लो तुम्हारे लिए उतना ही बेहतर होगा। उसकी बात खत्म होते ही पल्लवी ने फेस एक्सप्रेशन चेंज करते हुए कहा, मैं प्रेग्नेंट हूँ, इस वक्त मुझे किसी के साथ की बहुत जरूरत है। मैं अपने बंगले में सिर्फ नौकर के भरोसे नहीं रह सकती, मुझे अपनों की जरूरत है। Try to understand। उसकी आवाज में उसकी जिद थी। उसकी बात सुनकर अभय का जवाब आया, ये मेरी प्रॉब्लम नहीं है, जाओ जाकर अपने पति को ढूंढो और उसे ये सारी बातें समझाओ। हमसे ये सब बातें करके अपना और हमारा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। तुम यहाँ नहीं रह सकती, ये मेरा लास्ट डिसीजन है। ये बोलकर अभय और सायशा अपनी चेयर से उठकर खड़े हो गए। पल्लवी ने अपनी बातों पर जोर देते हुए कहा,
अब है ये मत भूलो, इस पैलेस पर आर्यन का भी हक है, इसीलिए मैं आर्यन की पत्नी होने के नाते जब चाहूं यहाँ तब रह सकती हूँ, ये मेरा लीगल राइट है। ये कहने के बाद वो अभय को देखने लगी। अभय ने कुछ सोचा और सैंडी की ओर देखकर कहा, सैंडी मैडम को हमारे पैलेस के यार्ड में रुकने का अरेंजमेंट करा दो, वो वहां अकेली रहेगी, ध्यान रहे क्या हमारी प्राइवेसी पर किसी का कोई दखल ना हो। ये कहने के बाद अभय आयशा का हाथ पकड़ के बेडरूम की ओर चला गया। उसके वहां से जाने के बाद पल्लवी फफक कर रो पड़ी। वो अभय को आयशा का हाथ पकड़े हुए जाते देखती रही और मन में सोचने लगी, एक वक्त था जब अभय सिर्फ और सिर्फ मुझसे प्यार करता था और आज ये किसी और का है, मेरी किस्मत में यही होना लिखा था। ये सोचती हुई वो फफक कर रोने लगी। और उधर अभय आयशा के साथ अपने बेडरूम में मौजूद था। उसने मालद्वीप जाने का प्रोग्राम सेट कर लिया था, वो दोनों मालद्वीप के लिए निकल चुके थे। ऐसा अभय ने जानबूझकर किया था कि वो दोनों पल्लवी से दूर रह सके। वे मालद्वीप पहुंचकर होटल में चेक इन कर चुके थे। इस वक्त अभय अपने होटल के बेड पर बैठकर मोबाइल गेम खेल रहा था। कुछ देर बाद आयशा शावर लेकर वॉशरूम से बाहर आई। इस वक्त उसने व्हाइट कलर का बाथ गाउन पहना था और व्हाइट कलर की टॉवल उसने अपने बालों पर लगाई हुई थी। अभय की नजर जैसे ही आयशा पर पड़ी उसने शरारती तरीके से कहा, वैसे तो तुम मुझे हर रोज बहुत खूबसूरत लगती हो, लेकिन शावर लेने के बाद तुम मुझे और भी ज्यादा खूबसूरत लगती हो। ये कहते हुए अभय बेड से नीचे उतरकर आयशा के करीब आ गया। आयशा ने आंखें बड़ी करते हुए कहा, अभय देखो अभी तुम मेरे साथ ऐसी वैसी कोई हरकत मत करना, ओके। उसकी बात सुनकर अभय ने जानबूझकर शैतानों वाली हंसी हंसते हुए कहा, तुम्हारे साथ ऐसी वैसी हरकत नहीं करूंगा तो किसके साथ करूंगा हूँ। ये कहते उसने उसकी कमर पर जोरों से अपनी पकड़ बना ली। आयशा ने आंखें बंद करते हुए कहा, अभय प्लीज छोड़ो मुझे। उसके इतना कहते अभय ने शरारती तरीके से कहा, तुम्हें छोड़ने के लिए थोड़ी ही पकड़ा है। ये कहते अभय ने उसके होठों पर अपने होठ रख दिए और उसे किस करने लगा। तभी अभय का मोबाइल बजा। इस वक्त आयशा को वो किस किया जा रहा था। उसने मोबाइल रिंग पर ध्यान ही नहीं दिया और फोन कट हो गया। फोन कट होने के तुरंत बाद ही एक बार फिर उसका मोबाइल बजा। इस बार आयशा ने उसे खुद से दूर करते हुए कहा, अभय फोन चेक कर लो, हो सकता है किसी का अर्जेंट कॉल हो। अभय ने गहरी सांस लेकर उसकी ओर देखा और कहा, पता नहीं कौन बेवकूफ है जो मुझे गलत वक्त पर कॉल कर रहा है। उसने जैसे ही अपना मोबाइल देखा फोन अमित का था। अमित का नंबर डिस्प्ले होते देखकर अभय ने बड़बड़ाते हुए कहा, ये मेरा छोटा भाई है या मेरा सबसे बड़ा दुश्मन। जब भी मैं अपनी वाइफ के साथ रोमांटिक मूड में होता हूँ उसी वक्त या तो ये खुद आ जाता है या तो कॉल करने लगता है, इडियट। ये सारी बातें अभय गुस्से से कह रहा था। वहां मौजूद आयशा उसकी बात सुनकर जोर से हंसने लगी। उसे हंसते देखकर अभय ने आइब्रोस उचका कर कहा, हंस लो तुम्हें तो बहुत हंसी आएगी। कहते हुए उसने फोन रिसीव किया। दूसरी ओर से अमित की तेज आवाज आई, भैया आप मुझे अकेले छोड़कर भाभी को लेकर मालदीव चले गए, दिस इज नॉट फेयर। उसकी ये बात सुनकर अभय ने आंखें बड़ी करते हुए कहा, तो क्या तुम भी हमारे साथ मालदीव आना चाहते थे। दूसरी ओर से अमित की आवाज आई, यस भैया मैं भी आप लोगों के साथ मालदीव आ जाता, आपने एक बार भी मुझे नहीं बताया क्योंकि आप मुझे ले जाना ही नहीं चाहते थे। अमित की बात सुनकर अभय ने सपाट लहजे में कहा, अमित तुम्हें अपने दोस्तों के साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट करना चाहिए, अब तुम बड़े हो चुके हो। ये बोलकर वो चुप हो गया। उसकी बात सुनकर अमित जोर जोर से हंसने लगा और उसने शरारती लहजे में कहा, भैया मुझे पता है मैं तो बस यूं ही आपसे मजाक कर रहा था। उसकी बात सुनकर अभय ने गहरी सांस लेकर कहा, आजकल तो बहुत मजाक करने लगे हो। अमित ने उसकी इस बात पर कोई रिप्लाई ना देते हुए टॉपिक चेंज कर दिया। उसने कहा, भैया इस वक्त मैं पैलेस में पल्लवी भाभी के साथ अकेला हूँ, आर्यन भैया भी नहीं है, आप मुझ पर इतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी छोड़कर कैसे जा सकते हैं। ये बोलकर अमित चुप हो गया। अभय ने गहरी सांस लेकर कहा, तुम क्या कहना चाहते हो। अमित तुरंत बोल पड़ा, भैया पल्लवी भाभी प्रेग्नेंट है और इस वक्त उन्हें एक्स्ट्रा केयर की जरूरत है, मुझे प्रेग्नेंट लेडी की देखभाल करने का कोई एक्सपीरियंस नहीं है, मेरी तो कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं है जो मेरी हेल्प कर सके, मैं क्या करूं भैया। उसकी बात सुनकर अभय ने कुछ सोचा और कहा, अमित तुम बता रहे थे ना कि तुम्हारे दोस्तों का ग्रुप न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए न्यूयॉर्क जा रहा है। उसके इतना कहते अमित के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई और उसे अच्छी तरह समझ में आ गया कि अभय ने उसे क्या करने के लिए कहा है। उसने खुश होते हुए कहा, हाँ भैया क्या मैं भी उनके साथ जाऊं। उसकी बात खत्म होते अभय ने कहा, हाँ तुम्हें जाना चाहिए वरना तुम्हारे दोस्तों को बुरा लग सकता है। अमित ने हंसते हुए कहा, आई लव यू सो मच भैया। ये बोलकर उसने फोन कट कर दिया। अभय और आयशा ने दो दिन मालदीव खूब इंजॉय किया और तीसरे दिन वो इंडिया के लिए फ्लाइट पकड़कर वापस मुंबई लौट आए। जब वो खन्ना पैलेस पहुंचे तो उन्हें यकीन था कि अब तक पल्लवी वहां से जा चुकी होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ।
पल्लवी अब तक पैलेस में मौजूद थी, लेकिन उन दोनों ने पल्लवी के वहां होने का जरा भी स्ट्रेस नहीं लिया। अभय रेडी होकर ऑफिस के लिए निकल गया और वहीं सायशा भी रेडी होकर अपने कॉलेज के लिए निकल चुके थे। उन दोनों को अपने साथ इतना रूड बिहेवियर करते देख पल्लवी को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो उन दोनों पर कौन सा जाल फेंके जिससे वो दोनों एक बार फिर उसके जाल में फंस जाए। क्या पल्लवी अपने इरादों में कामयाब होगी या फिर इस बार अभय और सायशा मिलकर उसे सबक सिखाएंगे? आगे क्या होगा, जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। आर्यन ने दांत पीसते हुए गुस्से से कहा, तो क्या पल्लवी को पागल कुत्ते ने काटा है जो वो बेवजह रोएगी? जरूर तुमने उसे कुछ कहा होगा, इसलिए मेरी वाइफ इतनी ज्यादा परेशान है। आर्यन की बात सुनकर सायशा ने आंखें उचका कर कहा, आर्यन तुम्हारे पास इन सब बातों का क्या सबूत है कि मैंने पल्लवी को हर्ट किया है? क्या करेगी सायशा? क्या वो पल्लवी की चाल का पर्दाफाश करेगी या फिर उसके नए जाल में उलझ कर रह जाएगी? क्या होगा आगे, जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। विंटर वेकेशन खत्म हो चुका था। आज सायशा अपने टाइम पर यूनिवर्सिटी पहुंची। उसने मिसेस सिन्हा और निशांत को न्यू ईयर प्रेजेंट दिया। वो स्टाफ रूम में बैठकर लावण्या के आने का वेट कर रही थी। तभी कुछ देर बाद वहां लावण्या पहुंची। लावण्या को देखकर सायशा बहुत खुश हुई और उठकर उसके हक करती हुई बोली, इस बीच मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। लावण्या ने उसका चेहरा हाथों में भरकर कहा, मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। वो दोनों बैठकर बातें करने लगी। सायशा ने उसे भी न्यू ईयर का प्रेजेंट दिया और उसकी आंखों में देखकर कहा, क्या बात है, आज तुम्हारी आंखें तुम्हारी खुशी बयां कर रही है। लगता है इस बीच तुमने समीर से ढेर सारी बातें की है। अगर चाहो तो मुझे बता सकती हो, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। ये लाइन उसने शरारती लहजे से कही थी। उसके बाद सुनकर लावण्या के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई और स्माइल को देखते हुए सायशा एक बार फिर शरारती तरीके से कहती है, इसका मतलब मैंने बिल्कुल ठीक समझा था। अब जल्दी जल्दी बताओ तुम्हारी और समीर की स्टोरी कहां तक पहुंची। उसकी बात सुनकर लावण्या ने गहरी सांस ली और कहा, जहां तक थी अभी तक वही है। ये बोलकर लावण्या अपने टेबल पर रखी खेलने लगी। उसके अंदाज देखकर सायशा ने कहा, मैं कुछ समझी नहीं। लावण्या ने कहा, बस इस बीच अच्छी बात ये हुई कि मैं और समीर डेली फोन पर बात करते हैं, लेकिन एक अच्छे दोस्त की तरह। इसके अलावा हमारे बीच में कोई भी कनेक्शन नहीं है। सायशा बड़े गौर से उसकी बातें सुन रही थी। उसने आगे कंटिन्यू करते हुए कहा, दूसरी अच्छी बात यह है कि इस बीच रागिनी ने समीर को एक बार भी परेशान नहीं किया। हाँ, एक बार वो समीर से मिलने जरूर आई थी, लेकिन समीर ने उसे अच्छी तरह समझा दिया था कि अब उनके बीच में कुछ नहीं हो सकता, और ये बात वो भी अच्छी तरह समझ गई है। फिर उसने समीर से कहा कि अब वो कभी उसके रास्ते नहीं आएगी। ये कहते वक्त लावण्या के चेहरे पर कुछ उदासी के भाव थे। सायशा बड़े गौर से उसका फेस एक्सप्रेशन देख रही थी। सायशा ने कुछ सोचा और कहा, क्या तुमने इस बीच एक बार भी समीर के दिल में अपने फीलिंग्स जानने की कोशिश नहीं की? लावण्या ने धीरे से हाँ में सर हिलाते हुए कहा, कोशिश की थी, लेकिन मुझे ये समझ में आया कि समीर मुझ में इंटरेस्टेड नहीं है, और मुझे भी ज़बरदस्ती उसे अपने आप से रिलेशन में आने के लिए फोर्स नहीं करना चाहिए, क्योंकि प्यार तो बस हो जाता है, प्यार पर कोई आजमाइश नहीं चलती। ये कहते हुए लावण्या ने सायशा पर नज़र डाली। सायशा ने होठों को गोल घुमाते हुए कहा, जब सामने वाला आपके प्यार को ना समझे तब वहाँ आजमाइश करनी पड़ती है। ये बोलकर उसने अपने हैंड पर्स से मोबाइल निकाला और उसने लावण्या की ओर देख कर कहा, आज शाम तुम बिजी तो नहीं हो ना? लावण्या ने नहीं में सिर हिलाया और आंखें सिकोड़ कर कहा, लेकिन तुम करने क्या वाली हो? सायशा ने सपाट लहजे में कहा, मैं दो दिलों को मिलाने की कोशिश करने वाली हूँ। ये बोलकर उसने अपने मोबाइल पर समीर की माँ का नंबर डायल किया। ये देखकर लावण्या ने हड़बड़ाते हुए कहा, तो तुम किसे फोन कर रही हो? सायशा ने आईब्रोज उचका कर कहा, समीर को अपना प्यार नजर नहीं आ रहा है, क्या पता आंटी अंकल को अपने बेटे के लिए सही प्यार सही पार्टनर नजर में आ जाए। लावण्या ने अपने होठों पर हाथ रखते हुए कहा, इसका मतलब तुम उसकी मॉम को कॉल कर रही हो? सायशा ने हाँ में सर हिलाते हुए कहा, एग्जैक्टली। लावण्या खुश होकर सायशा की फोन पर बात सुनने लगी। हालांकि उसे दूसरे साइड से आने वाली आवाज सुनाई नहीं दे रही थी, बस वो सायशा की बात सुन रही थी। दूसरी ओर से फोन रिसीव होते ही सायशा फोन पर बोली, आप कैसी हैं आंटी? फिर उधर से रिप्लाई सुनने के बाद सायशा ने स्माइल करते हुए कहा, जी मैं आपको बहुत मिस करती हूँ, और मैं आपसे आज शाम को मिलने आ रही हूँ। आज आपके हाथों का बना खाना खाने का बड़ा मन है। लावण्या गौर से सायशा की बातें सुन रही थी। सायशा ने कहा, आंटी अगर आपको प्रॉब्लम ना हो तो क्या मैं अपनी एक दोस्त को आपके घर लेकर आ सकती हूँ? हम दोनों कलीग हैं, यूनिवर्सिटी में साथ में काम करते हैं। उधर से रिप्लाई सुनने के बाद सायशा के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई और उसने खुश होते हुए कहा,
थैंक यू सो मच आंटी, फिर हम शाम को मिलते हैं, बाय। ये बोलकर उसने फोन कट कर दिया। फोन कट होने के बाद उसने लावण्या की ओर देखा और कहा, अब तुम तैयार हो जाओ समीर के पेरेंट्स से मिलने के लिए। लावण्या ने हड़बड़ाते हुए कहा, अब लेकिन ये थोड़ा अजीब नहीं लगेगा? समीर मेरे बारे में क्या सोचेगा? उसकी बात सुनकर साइशा ने होठों को कर्ल करते हुए कहा, अगर वो इतना सोचने समझने वाला होता तो कब का तुम्हें तुम्हारे साथ शादी करने का डिसीजन ले चुका होता। तुम उसकी टेंशन मत लो, मैं उसे अच्छी तरह जानती हूँ, वो कुछ नहीं समझेगा। जवाब में लावण्या ने स्माइल कर दिया। शाम के 5 बज चुके थे। साइशा ने अपनी सारी क्लासेस लेने के बाद अभय का नंबर डायल किया। इस वक्त वो यूनिवर्सिटी के मेन गेट पर मौजूद थे और लावण्या का वेट कर रहे थे। दूसरी ओर से अभय ने जैसे ही फोन रिसीव किया, साइशा बोल पड़ी, अभय आज मुझे आने में थोड़ा लेट हो जाएगा। जवाब में अभय ने कहा, क्यों? साइशा ने अपनी स्वीट सी आवाज में कहा, आज मैं लावण्या को लेकर समीर के घर जा रही हूँ, समीर के पेरेंट्स से उसे मिलवाना चाहती हूँ। उसकी बात सुनकर अभय को कोई खास खुशी नहीं हुई। उसने गहरी सांस लेकर कहा, साइशा क्या तुम पागल हो गई हो? जवाब में साइशा ने कहा, अभय मैंने तुमसे अपना मेंटल स्टेटस पूछने के लिए कॉल नहीं किया है, बस मैंने तुम्हें बताने के लिए कॉल किया है कि मैं लावण्या को लेकर समीर के घर जा रही हूँ। उसकी बात खत्म होते अभय ने कड़क अंदाज में कहा, अभी तुम प्रेग्नेंट हो, तुम्हें अपना ध्यान रखना चाहिए, लेकिन एक तुम हो जो अपना ख्याल रखने के अलावा बाकी सबका ख्याल रखती हो। साइशा ने बच्चों की तरह एक्सप्रेशन देते हुए कहा, अभय प्लीज ना ट्राई टू अंडरस्टैंड, वो दोनों बहुत अच्छे कपल साबित होंगे और मेरी जरा सी कोशिश में वो दोनों एक हो जाएं तो इसमें हर्ज क्या है? अभय ने गहरी सांस ली और कहा, ठीक है शाम को 8:30 बजे के पहले घर आ जाना, मैं तुम्हारा वेट करूंगा, लेट नहीं होना चाहिए। ये बोलकर अभय ने साइशा का रिप्लाई नहीं सुना और फोन कट कर दिया। फोन कट होने के बाद साइशा ने खुद से बात करते हुए कहा, हिटलर कहेगा। साइशा भी कुछ देर के बाद लावण्या के कैंपस से बाहर आ चुकी थी और वो दोनों देवा के साथ समीर के घर के लिए निकल पड़े। रास्ते में लावण्या ने साइशा की ओर देखकर कहा, साइशा मुझे बहुत घबराहट हो रही है। साइशा ने उसका हाथ पकड़ कर कहा, तुम्हें घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आंटी अंकल बहुत अच्छे हैं और मुझे पता है वो तुम्हें बहुत पसंद करेंगे, तुम देख लेना। लावण्या ने अपनी फिंगर क्रॉस करते हुए कहा, लेट्स सी। रास्ते में लावण्या ने कुछ फ्रूट्स और मिठाई के पैकेट्स ले लिए थे। शाम के 6 बज चुके थे। साइशा और लावण्या समीर के घर पहुंच चुके थे। वहां पहुंचकर जैसे ही साइशा ने डोरबेल बजाई, डोर समीर ने ओपन किया। साइशा को देखकर समीर बहुत खुश हुआ, लेकिन जैसे ही उसकी नजर उसके साथ मौजूद लावण्या पर पड़ी, एक पल के लिए वो हैरान रह गया। फिर उसने स्माइल करते हुए उन दोनों को घर के अंदर आने का इशारा किया। साइशा ने समीर की ओर देख कर कहा, आज लावण्या भी फ्री थी इसीलिए मैं इसे भी अपने साथ ले आई। उसकी बात सुनकर समीर ने स्माइल करते हुए लावण्या की ओर देखा और कहा, बहुत अच्छा किया। समीर ने उन्हें वहां रखे सोफे पर बैठने का इशारा किया और उनके सेटल होते ही खुद भी पास रखे सोफे पर सेटल हो गया। जब तक किचन से आरती निकलकर बाहर आई, उन्हें देखते ही साइशा ने उन्हें हक किया और अपने पास में बैठी लावण्या से उनका इंट्रो करवाते हुए कहा, आंटी इनसे मिलिए, ये मेरी दोस्त है लावण्या। लावण्या ने खड़े होकर उन्हें नमस्ते कहा और मिठाई के पैकेट्स उनके हाथ में देती हुई बोली, हैप्पी न्यू ईयर आंटी। ये देखकर आरती ने हैरान होते हुए कहा, लेकिन बेटा इन सबकी क्या जरूरत थी? लावण्या ने स्माइल करते हुए कहा, मेरी मम्मी कहती है जब हम किसी अच्छे वक्त में किसी के घर जाते तो हमें कुछ मीठा लेकर जाना चाहिए, इससे हमेशा रिश्तों में मिठास रहती है। उसकी बात सुनकर आरती ने खुश होते हुए उसके चेहरे पर हाथ फेरते हुए कहा, शाबाश बेटी, आज के जमाने में भी रिश्तों की इतनी अहमियत देने वाली लड़कियां कहां देखने को मिलती है। ये कहते हुए आरती बड़े प्यार से लावण्या की ओर देखने लगी। तब तक मिस्टर चौधरी भी किचन से बाहर निकल आए। उन्हें किचन से बाहर आते देखकर साइशा ने हैरान होते हुए कहा, अंकल ये क्या? आज लगता है आंटी ने किचन में आपकी ड्यूटी लगाई है, आज अंकल के हाथों का खाना मिलने वाला है। मिस्टर चौधरी ने स्माइल करते हुए कहा, आज मैंने तुम सब बच्चों के लिए अपने हाथों की स्पेशल बिरयानी बनाई है। साइशा ने होठों को गोल घुमाते हुए कहा, आज तो खाने में मजा आने वाला है। वहां मौजूद लावण्या चुपके से समीर की ओर देख रही थी और जैसे ही समीर की नजर उससे टकराती, वो तुरंत अपनी नजरें दूसरी ओर कर ले रही थी। लावण्या ने मिस्टर चौधरी को विश किया। मिस्टर चौधरी ने भी स्माइल करते हुए उसे रिप्लाई दिया। कुछ देर इधर उधर की बातें करने के बाद आरती ने कहा, बच्चों मैं तुम लोगों के लिए खाना लगाती हूँ। ये बात सुनकर लावण्या अपनी जगह से उठकर खड़ी हो गई और उसने कहा, अब मैं आपकी हेल्प कर देती हूँ। आरती ने खुश होते हुए उसकी ओर देखा और कहा, बेटा अभी अभी तो तुम कॉलेज से आई हो, थक गई होगी। जवाब में लावण्या ने रिप्लाई किया, बिल्कुल नहीं, बल्कि मुझे आपकी हेल्प करने में खुशी मिलेगी। उसकी बात सुनकर आरती ने हाँ में सर हिलाया। वो दोनों रसोई की ओर चली गई।
उनके वहां से जाने के बाद मिस्टर चौधरी ने सायशा की ओर देखकर कहा, बेटे तुम अकेली आई हो, अभय को भी साथ ले आती, हमारा मिलना हो जाता, अभय बहुत अच्छा लड़का है। उसकी बात सुनकर सायशा ने स्माइल करते हुए कहा, अब अंकल दरअसल अभय की कुछ इंपॉर्टेंट मीटिंग है इसीलिए नहीं आ पाए। कुछ देर बाद लावण्या वहां पहुंची और उसने वहां पहुंचकर सभी की ओर देखते हुए कहा, खाना टेबल पर रख चुका है। उसकी बात सुनकर मिस्टर चौधरी ने हंसते हुए कहा, ये क्या बेटी, आते ही तुम काम में लग गई। जवाब में लावण्या ने स्माइल करते हुए कहा, मुझे घर के काम करने में बड़ा मजा आता है। मिस्टर चौधरी ने हंसते हुए कहा, शाबाश बेटी, तुम्हारे पेरेंट्स ने तुम्हें बहुत अच्छे संस्कार दिए। ये कहते हुए सारे लोग उठकर डाइनिंग टेबल के पास पहुंचे। सारे लोग अपनी अपनी जगह पर सेटल हो चुके थे। आरती ने लावण्या की ओर देखकर कहा, बेटी अब तुम भी बैठ जाओ, जब से आई हो काम में लगी हुई हो, मैं तुम सबको खाना सर्व करती हूँ। जवाब में लावण्या ने स्माइल करते हुए आरती का हाथ पकड़कर उन्हें जबरदस्ती मिस्टर चौधरी के पास वाली चेयर पर बिठा दिया और कहा, आप एक तरफ मुझे बेटी भी कह रही हैं और दूसरी तरफ से मेरे साथ इतनी फॉर्मेलिटी करेंगे। ये कहते हुए सभी की प्लेट में खाना सर्व किया और खुद भी अपनी प्लेट में खाना लेकर समीर के पास वाली चेयर पर सेटल हो गई। आरती ने लावण्या की ओर देखकर कहा, बेटी तुम्हारे घर पर कौन कौन है। लावण्या ने रिप्लाई किया, जी मेरे घर पर मेरे मॉम डैड है और मेरी छोटी बहन है। मिस्टर चौधरी ने उसकी ओर देखकर कहा, तुम्हारे मॉम डैड क्या करते हैं। जवाब में लावण्या ने कहा, वो दोनों रिटायर्ड टीचर हैं। आरती ने सवालिया नजरों से उसकी ओर देखकर कहा, और तुम्हारी बहन वो क्या करती है। जवाब में उसने कहा, जी वो अब्रॉड की मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करती है। मिस्टर चौधरी ने आंखें चौड़ी करते हुए कहा, इसका मतलब तुम बहुत अच्छे फैमिली से बिलोंग करती हो। जवाब में लावण्या ने स्माइल कर दिया। समीर चुपचाप सभी की बातें सुन रहा था, बीच बीच में वो भी सभी से फॉर्मल बात कर लेता। इस बीच लावण्या ने समीर की प्लेट पर नजर डाली और स्माइल करते हुए कहा, अरे समीर ये क्या, तुम तो कुछ खा ही नहीं रहे हो। ये कहते हुए लावण्या ने उसके प्लेट पर जबरदस्ती खाना सर्व कर दिया। समीर ने उसे मना भी किया, लेकिन लावण्या ने आंखें बड़ी करते हुए बड़े प्यार से कहा, अंकल ने कितनी टेस्टी बिरयानी बनाई है, और ये क्या तुम कुछ खा ही नहीं रहे हो। वहां मौजूद आरती और मिस्टर चौधरी साथ बैठे लावण्या और समीर को देखकर स्माइल कर रहे थे। आरती ने अपने पास बैठे सायशा को किचन में आने का इशारा किया और कुछ बहाने से वो किचन की ओर चली गई। आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम। सायशा अब तक समीर के घर पर मौजूद थी। सारे लोग डाइनिंग टेबल पर मौजूद थे, लेकिन इस वक्त सायशा आरती के साथ किचन में थी और उनकी बातें अब तक जारी थी। आरती ने सायशा का हाथ पकड़ के कहा, सायशा मुझे लड़की मेरे समीर के लिए बहुत अच्छी लगी, एक नज़र में देखते न जाने क्यों ये बच्ची से मुझे अपनेपन का एहसास हुआ। मैं तुमसे तुम्हारी राय जानना चाहती हूँ कि मेरे समीर के लिए लावण्या जीवन साथी के रूप में कैसी रहेगी। आरती की बात सुनकर एक पल के लिए सायशा को लगा कि आरती ने उसके मुंह की बात छीन ली है। उनकी बात सुनकर सायशा खुशी से उछल पड़ी। उसने उनका हाथ पकड़कर कहा, आंटी लावण्या बहुत अच्छी लड़की है, बल्कि मैं भी कई दिनों से आपसे लावण्या और समीर के रिश्ते में बात करना चाहती थी, लेकिन समीर अभी अभी रागिनी के रिलेशनशिप से बाहर आया है, इसीलिए मैंने अभी ये बात करना सही नहीं समझा। उसकी बात सुनकर आरती ने स्माइल करते हुए कहा, हम दोनों की सोच कितनी मिलती जुलती है, लेकिन अब हमें समीर को उस रागिनी के नाम के अंधेरे से हमेशा के लिए दूर करना होगा, और जब लावण्या नाम की रोशनी समीर की लाइफ में आएगी तब समीर खुद ब खुद रागिनी के बारे में सब भूल जाएगा। सायशा स्माइल करने लगी। सायशा ने आरती का हाथ पकड़ के कहा, मैं माता रानी से प्रार्थना करूंगी कि जल्दी समीर और लावण्या इस रिश्ते में आगे बढ़ जाए। आई एम श्योर वो दोनों एक दूसरे के परफेक्ट लाइफ पार्टनर साबित होंगे। ये बोलकर वो स्माइल करने लगी। कुछ देर बाद आरती और सायशा आइसक्रीम की ट्रे लेकर किचन से बाहर निकले। सायशा ने सभी को आइसक्रीम सर्व की, फिर उसने अपने हाथों में बंधी घड़ी में समय देखा और अपने सर पर टपली मारते हुए कहा, ओ माय गॉड 8 तो यही बज गए, मुझे लेट हो गया। ये कहने के बाद उसने समीर पर नजर डालते हुए कहा, समीर मुझे तुरंत घर जाना है, मैं लावण्या को उसके घर ड्रॉप करने नहीं जा पाऊंगी, प्लीज क्या तुम लावण्या को उसके घर ड्रॉप कर दोगे। उसकी बात खत्म होते ही मिस्टर चौधरी ने आंखें सिकोड़ कर सायशा की ओर देखकर कहा, ये क्या बेटी तुम अपने घर पर ही तो हो, हमने अभी ठीक तरह से बातचीत भी नहीं की और तुम घर जाने की बात कर रहे हो। जवाब में सायशा ने क्यूट सा फेस बनाकर कहा, आई एम सॉरी अंकल, लेकिन अभय का कहना है कि मुझे 8 बजे के पहले घर पहुंच जाना चाहिए, ज्यादा देर तक मेरा अकेले बाहर घूमना ठीक नहीं है, वरना उन्हें मेरी बहुत टेंशन हो जाती है। सायशा आगे कुछ और बोल पाती इसके पहले ये सारी बातों को समझते हुए आरती ने सीरियस होकर कहा, नहीं बेटा तुम्हें घर जाना चाहिए, तुम्हें अपने पति की बातों का ध्यान रखना चाहिए,
एक अच्छी पत्नी का यही फर्ज होता है, वो हर काम अपने पति की इच्छा से करे। आखिर पति से ही तो पत्नी की इज्जत होती है, और वैसे भी तुम्हारा ही तो ये घर है, तुम यहाँ जब चाहो आ सकती हो। उनकी बात सुनकर सायशा ने स्माइल किया और समीर की ओर सवालिया नजरों से देखा। समीर ने उसे रिप्लाई किया, इट्स ओके सायशा, तुम लावण्या की टेंशन मत लो, मैं उसे उसके घर में ड्रॉप कर दूंगा। सायशा ने बड़ी सी स्माइल करते हुए कहा, थैंक यू सो मच समीर। फिर उसने लावण्या और वहां मौजूद सारे लोगों को बाय कहा और देवा के साथ पैलेस के लिए निकल गई। कार में बैठकर वो समीर और लावण्या के बारे में सोचने लगी। उनके बारे में सोचकर सायशा के चेहरे पर अपने आप ही बड़ी सी स्माइल आ गई। कुछ देर बाद उनकी कार पैलेस के सामने आकर रुकी। सायशा ने कार का डोर ओपन किया और कार से बाहर निकली। वो जैसे ही लिविंग रूम में पहुंची, उसने देखा अभय और पल्लवी एक दूसरे के काफी नजदीक खड़े हुए। जैसे पल्लवी ने सायशा पर नजर डाली, उसने हड़बड़ाकर अपने कदम पीछे ले लिए। उसके चेहरे पर परेशानी के भाव थे, और वहीं अभय अपने पॉकेट में हाथ डालकर नॉर्मल खड़ा हुआ था। उसकी बॉडी लैंग्वेज में कोई वियर्ड चेंज नहीं था। सायशा को वहां देखकर पल्लवी ने तुरंत फेक स्माइल देते हुए कहा, ओ सायशा, मैं तुमसे मिलने यही आई हुई थी, फिर अभय ने मुझे बताया कि तुम मैच मेकर बनी हुई हो, लोगों की जोड़ियां बनाती हो, बस इसी काम से तुम कहीं बाहर गई हुई हो और तुम्हें आने में थोड़ा वक्त लगेगा। ये कहने के बाद पल्लवी स्माइल करते हुए उसे देखने लगी। सायशा ने उसे ऊपर से लेकर नीचे तक घूर कर देखा और कहा, तुम्हें मुझसे क्या काम था? हूँ, जवाब में पल्लवी ने स्माइल करते हुए कहा, दरअसल मैं हमारे बच्चों के कपड़े डिजाइन कर रही थी, मैंने सोचा कि तुम्हें तुम्हारे बच्चे के लिए कैसे कपड़े चाहिए, तो मैं तुमसे तुम्हारी चॉइस पूछ लेती हूँ, बस यही सोचकर मैं तुमसे बात करना चाहती थी। सायशा ने गहरी सांस लेकर कहा, मुझे लगता है इस बारे में हम सुबह पे बात कर सकते हैं। पल्लवी ने कंधे उचका कर कहा, ओके नो प्रॉब्लम, हम सुबह बात कर लेंगे। ये बोलकर उसने सायशा और अभय को गुड नाइट कहा और वहां से चली गई। उसके वहां से जाने के बाद अभय ने सायशा की ओर देखा और कहा, थैंक गॉड तुम टाइम पर वापस आ गई, वरना मुझे तो लगा था कि तुम समीर और लावण्या की शादी करवाने के बाद ही घर लौटोगी। ये कहने के बाद वो सायशा की ओर देखने लगा। सायशा ने उसे अपने हाथों में बंधी घड़ी में समय दिखाते हुए कहा, तुमने कहा था ना 8:30 तक घर आ जाना, देखो मैं आ गई। ये बात उसने काफी गुस्से में कही थी। अभय ने आंखें से कोड़ कर कहा, वक्त पर घर आ जाना अच्छी बात होती है, लेकिन तुम ये बात इतनी क्रांतिकारी तरीके से क्यों कह रही हो, कहीं सच में तुम खुद को झांसी की रानी तो नहीं समझने लगी? हूँ, उसकी बात सुनकर सायशा ने दांत पीसते हुए कहा, वो तो अच्छा हुआ मैं वक्त पर आ गई, आई एम श्योर तुम्हें तो लगा होगा कि मुझे घर लौटने में लेट हो जाएगा, इसीलिए तुम पल्लवी से बातें कर रहे थे राइट? ये बोलकर सायशा उसके रिप्लाई को वेट करने लगी। जवाब में अभय ने आइब्रोज उचका कर कहा, जेलस? सायशा ने उसे घूर कर देखा और परफेक्ट इंडियन वाइफ की तरह ताना मारते हुए कहा, मैं क्यों जलने लगी, अगर तुम्हें वो इतनी अच्छी लगती है तो तुम उसके साथ ही क्यों नहीं रहते, क्यों हर वक्त मुझ पर हुक्म जमाते रहते हो? ये बोलकर वो चुप हो गई। अभय को इस तरह सायशा का पल्लवी से जलना अच्छा लग रहा था, क्योंकि सायशा की बातें सुनकर उसे उसकी फीलिंग महसूस हो रही थी। अभय ने गहरी सांस लेकर कहा, सायशा ट्रस्ट मी, वो कुछ सेकंड पहले ही यहाँ आई और मैंने उसे 25% से ज़्यादा बातें नहीं की। उसकी बात सुनकर सायशा ने आंखें गोल घुमाकर कहा, 25% से ज़्यादा बात करना था तुम्हें, उसे कॉफ़ी ऑफर करनी थी, बल्कि कॉफ़ी ही क्यों, तुम्हें उसे डिनर ऑफर करना था, उसके साथ बैठकर डिनर करना था, तुमने ये सब क्यों नहीं किया? हूँ, ये बोलकर वो घूर कर उसकी ओर देखने लगी। अभय ने गहरी सांस लेकर उसे समझाते हुए कहा, उसने मुझसे तुम्हारे बारे में पूछा तो मैंने उसे कहा कि सायशा मैच मेकर बन गई है, वो जोड़ियां बनाने का काम करती है, उसे आने में वक्त लग सकता है, इसीलिए तुम यहाँ से चली जाओ। वो आगे कुछ सवाल करती या मैं उसके सवालों का जवाब देता, उसके पहले तुम हमारे सामने आकर खड़े हो गए, अब तुम ही काउंट कर लो, मैंने 25 words में बात खत्म किया नहीं। उसकी बात सुनकर सायशा ने दांत पीसते हुए कहा, अगर मैं नहीं आती तो तुम्हारी बातें कितने वर्ड्स में खत्म होती? अभय ने आंखें गोल करते हुए कहा, सायशा उसने तुम्हें बताया ना कि वो बच्चों के कपड़े डिजाइन करने के काम से यहाँ आई थी, तुम छोटी सी बात का इतना इशू क्यों बना रही हो? उसकी बात खत्म होते ही सायशा बोल पड़ी, वो बगैर डिजाइन के डिजाइन डिस्कस करने आई थी, ना उसके हाथ में लैपटॉप था ना ही कोई पेन पेपर, वो हमारे साथ डिजाइन कैसे डिस्कस करती? हूँ, ये कहने के बाद सायशा बेडरूम की ओर चली गई। कुछ देर बाद वो जैसे ही शावर लेकर बाहर निकली, उसकी नजर बेड पर बैठे हुए अभय पर पड़ी, जो कि क्यूट सी स्माइल देते हुए उसकी ओर देख रहा था। सायशा पर उसकी उस प्यारी सी स्माइल का कोई असर नहीं हुआ। उसने गुस्से भरी नजर से उसे देखा और रूम में लगे बड़े से शीशे के सामने बैठकर वो हेयर ड्रायर से अपने बाल सुखाने लगी। अभय उसके करीब पहुंचकर उसके हाथ से हेयर ड्रायर ले लिया और बड़े तरीके से उसके बाल सुखाने लगा। सायशा ने सपाट लहजे में कहा,
इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं कर लूंगी। ये बोलकर उसने अभय के हाथ से अपना हेयर ड्रायर खींचने की कोशिश की, लेकिन अभय ने हेयर ड्रायर ऊपर हवा में लहरा दिया। साइशा ने पैर पटकते हुए कहा, अभय मुझे मेरा ड्रायर वापस करो। अभय ने साइशा को स्टूल पर बिठा दिया और उसके गीले बालों को सुखाने लगा। इस वक्त अभय साइशा का चेहरा उस बड़े से शीशे में देख पा रहा था। अभय ने धीरे से कहा, गुस्से में कोई भी ज्यादा खूबसूरत लगता है। साइशा ने आंखें गोल घुमाकर कहा, मैं तुम्हारे साथ बात नहीं कर रही हूँ। जवाब में अभय ने भी सपाट लहजे में कहा, तो मैं भी तुमसे कहाँ बात कर रहा हूँ, मैं तो अपनी बेटी से बात कर रहा हूँ। ये कहने के बाद उसने साइशा के पेट पर धीरे से हाथ रखा और कहा, तुम सुन रही हो ना, गुस्से में तुम्हारी माँ और भी ज्यादा खूबसूरत लगती है। बस तुम्हारी माँ की इसी अदाओं पर तो तुम्हारे डैड फदा है। तुम जल्दी से बाहर आ जाओ। जब भी तुम्हारी माँ हमसे गुस्सा हुआ करेगी, हम दोनों मिलकर तुम्हारी माँ को। ये कहने के बाद अभय अचानक चुप हो गया। साइशा ने हल्की नजर उस पर डाली। अभय ने शरारती तरीके से कहा, मैं और मेरी बेटी तुम्हें मिलकर गुदगुदी किया करेंगे। ये बोलकर अभय साइशा के गले में गुदगुदी करने लगा। साइशा ने खुद को छुड़ाते हुए कहा, अभय क्या कर रहे हो तुम। ये बोलकर वो जोर जोर से हंसने लगी। अभय ने उसका हंसता हुआ चेहरा देखा और खोए हुए ढंग से बोला, मैंने तुमसे कहा ना जंगली बिल्ली, इसी तरह हमेशा हंसती मुस्कुराती रहा करो, मेरी जान तुम्हारी सी स्माइल में बसती है। इतना कहते ही अभय ने साइशा को अपनी बाहों में भर लिया। साइशा ने उसके कंधे पर पंच मारते हुए कहा, तुम भी कुछ कम नहीं हो, पहले मुझे चिढ़ाते हो और उसके बाद में मुझे हंसाते हो। अभय ने उसके गालों को खींचते हुए कहा, आई प्रॉमिस मैं जिंदगी भर तुम्हें इसी तरह हंसाते रहूंगा। ये बोलकर अभय उसका चेहरा अपने हाथों में भरकर उसकी ओर देखने लगा। उनकी आज की रात इसी तरह एक दूसरे की बाहों में गुजर गई। अगली सुबह 7 बजे साइशा शाफर लेकर यूनिवर्सिटी जाने के लिए रेडी हो चुकी थी। वो जैसे ही अपने बेडरूम से बाहर निकली, वहां सैंडी पहुंचा। सैंडी को देखकर साइशा ने उसे स्माइल करते हुए गुड मॉर्निंग विश किया। सैंडी ने हमेशा की तरह अपनी सधी हुई आवाज में उसे विश किया और धीरे से कहा, मैडम, पल्लवी मैडम आपसे कुछ बात करना चाहती है। सैंडी की बात सुनकर साइशा ने आंखें से कोड़ कर उसकी ओर देखा। सैंडी ने आगे अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, वो पैलेस के गार्डन एरिया में बैठी है और वो आपसे वहीं मिलना चाहती है। जवाब में साइशा ने ठंडी सांस लेते हुए कहा, सैंडी उनसे अभी कह दो कि मैं अभी उनसे बात नहीं कर सकती, मेरी यूनिवर्सिटी जाने का वक्त हो चुका है। सैंडी ने कहा, मेम साहब मैंने उसे कहा था लेकिन उन्होंने कहा कि वो आपसे कुछ अर्जेंट बात करना चाहती है, इसीलिए वो आपको वहीं आने के लिए कह रही है। उसकी बात सुनकर साइशा ने कुछ सोचा और हाँ में सर हिला दिया। सैंडी वहां से चला गया। उसके वहां से जाने के बाद साइशा ने खुद से बात करते हुए कहा, आखिर ऐसी कौन सी अर्जेंट बात है जो पल्लवी इतनी सुबह मुझसे कहना चाहती है। आखिर पल्लवी के दिमाग में क्या चल रहा है, वो साइशा से क्या बात करना चाहती है, क्या इन बातों का असर साइशा और अभय के रिश्ते पर पड़ेगा, आगे क्या होगा। जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट FM। सुबह के 7 बज चुके थे। साइशा पल्लवी के साथ पैलेस के गार्डन एरिया में मौजूद थी। साइशा ने पल्लवी की ओर देखकर कहा, ऐसी कौन सी अर्जेंट बात हो गई जो तुमने मुझे सुबह सुबह याद किया। हूँ, पल्लवी ने स्माइल करते हुए सामने टेबल पर रखे कॉफी का साइशा को पास करते हुए कहा, लगता है तुम बहुत बिजी हो। साइशा ने कॉफी मग ले लिया और कहा, हाँ इस वक्त मुझे यूनिवर्सिटी जाना होता है, टाइम पर क्लासेस लेनी होती है। पल्लवी ने आंखें सिकोड़ कर कहा, इतनी सुबह सुबह तुम यूनिवर्सिटी जाती हो। हूँ, इतनी सुबह तो मेरी नींद भी नहीं खुलती। साइशा ने गहरी सांस लेकर कहा, मेरे कॉलेज का यही टाइम है और मुझे सुबह जल्दी उठना अच्छा लगता है। पल्लवी ने कॉफी का सिप लेते हुए कहा, तुम्हें काम का बहुत वर्कलोड होता होगा ना। साइशा ने उसकी ओर देखा, सपाट लहजे में कहा, पल्लवी काम तो काम होता है। खैर तुम्हें सारी बातें छोड़ो और ये बताओ तुमने मुझे इतनी सुबह सुबह क्यों बुलाया। जवाब में पल्लवी ने कहा, साइशा क्या तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि तुम जो काम करती हो वो तुम्हारे हस्बैंड की पर्सनालिटी से मैच नहीं करता। उसकी इस बात को सुनकर साइशा ने आंखें सिकोड़ कर उसकी ओर देखा। पल्लवी ने कॉफी का सिप लेते हुए कहा, हाँ दरअसल ये काम और दूसरे ऑर्डिनरी और मिडिल क्लास लोगों के लिए बहुत अच्छा है और बहुत रिस्पेक्टेबल जॉब भी है, लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता अभय के हिसाब से तुम्हें जॉब नहीं करनी चाहिए। I mean, अभय खुद इतने बड़े बड़े कॉलेज हॉस्पिटल और कई बड़ी जगह का ट्रस्टी है, वो ऐसे सोशल एक्टिविटीज में बड़े बड़े डोनेशन देता रहता है। जहाँ तक मुझे याद है वो तुम्हारी यूनिवर्सिटी का भी साइलेंट मेंबर है और उस यूनिवर्सिटी के लिए उसने करोड़ों रुपए का डोनेशन दिया था और उसी यूनिवर्सिटी में तुम महज कुछ रुपयों के लिए काम करती हो। अब तुम ये बताओ मुझे थोड़ा ऑड है या नहीं। उसकी बात खत्म होती ही साइशा ने सपाट लहजे में कहा, पल्लवी ये काम मैं पैसे कमाने के लिए नहीं करती,
बल्कि मेरी माँ का सपना था कि उनकी बेटी प्रोफेसर बने, बच्चों का भविष्य बनाए ताकि बच्चे आगे चलकर तुम्हारी तरह अपनी लाइफ से और दूसरों की लाइफ का कंपैरिजन ना कर पाए, तुम्हारी तरह वो हर बात पर शिकायत लेकर ना बैठे। बस इसीलिए मैं इस यूनिवर्सिटी में जॉब करती हूँ। ये बोलकर साइशा ने कॉफी का मग टेबल पर रख दिया। साइशा की बात सुनकर पल्लवी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा, लेकिन उसने अपनी फेस एक्सप्रेशन पर कंट्रोल करते हुए कहा, साइशा तुम हमेशा की तरह मुझे गलत समझ रही हो। मानती हूँ मैं कोई जॉब नहीं करती, इसलिए तुम मुझे जॉबलेस होने का ताना मार रही हो, राइट? साइशा ने कंधे उचका कर कहा, नहीं पल्लवी, मैं तुम्हें ताना नहीं मार रही, मैं तुम्हें सच्चाई बता रही हूँ। तुम्हारे पास सब कुछ होते हुए भी तुम परेशान हो, हर वक्त शिकायत करती हो और लोगों को फ्री एडवाइस देती घूमती हो। अगर तुम बिजी होती तो तुम्हारे दिमाग में अच्छी अच्छी बातें चलती, यू नो कहते हैं ना खाली दिमाग शैतान का, बस तुम्हारे साथ वही हाल है। उसकी बात सुनकर पल्लवी को बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसने अपने खूबसूरत चेहरे पर अपने भाव छिपा लिए और कहा, साइशा मैं तुम्हारी भलाई के लिए तुम्हें एडवाइस देती हूँ, वरना मुझे कोई शौक नहीं है कि मैं लोगों को एडवाइस देती फिरूं, और वैसे भी मेरे पास इतना वक्त भी नहीं है। दरअसल मैं हमेशा अभय को खुश देखना चाहती हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें उसे खुश करने का तरीका सिखाने की कोशिश करती हूँ, और तुम हर वक्त हर बात पर मुझे गलत समझती हो। साइशा बड़े गौर से उसकी बातें सुन रही थी। पल्लवी ने आगे अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, अब तुम ही देखो ना, तुम कितनी चीप और नॉन ब्रांडेड कपड़े पहनती हो। तुम्हारे कपड़े बड़े अजीब होते हैं और कई कपड़े तो आउट ऑफ फैशन भी रहते हैं। तुम्हें पता है साइशा, अभय को अप टू डेट लड़कियां बहुत पसंद है। वो मुझे मेरे ड्रेसिंग सेंस की वजह से पसंद करता था, और तो और तुम्हारी परफ्यूम की खुशबू भी किसी लोकल परफ्यूम की तरह लगती है। तुम्हें देखकर ही समझ में आ जाता है कि तुम ऑर्डिनरी साधारण लाइफ जीने वाली लड़की हो। मेरी बात गौर से सुनो, अभय ऐसी लड़कियों को बिल्कुल पसंद नहीं करता। अभी वो तुम्हारे हर वक्त आगे पीछे रहता है, लेकिन जब तुमसे उसका मतलब निकल जाएगा तब वो तुम्हें दूध से मक्खी की तरह निकाल कर फेंक देगा, और मैं ऐसा नहीं चाहती। इसीलिए मैं तुम्हें एडवाइस दे रही हूँ कि अपने पति की पसंद का खास ख्याल रखो। ये बोलकर वो उसकी आंखों में देखने लगी। साइशा ने अपने होठों को गोल घुमा कर कहा, अगर सचमुच अभय को ब्रांडेड कपड़े ब्रांडेड परफ्यूम लगाने वाली लड़कियां पसंद होती तो फिर वो मुझसे शादी क्यों करता? तुम शादी होने के बाद भी अभय को अपनी ओर अट्रैक्ट करने के लिए कितनी कोशिश करती हो, लेकिन इसके बाद भी वो तुम्हारी तरफ क्यों नहीं देखता? देखो तुमने कितने महंगे कपड़े पहन कर रखे हैं। ये कहने के बाद साइशा ने पल्लवी के स्कर्ट का एक कोना अपने हाथ में पकड़ा और आंखें बड़ी करते हुए कहा, सचमुच पल्लवी ये ब्रांडेड कपड़ा है, मुझे लगता है इसकी कीमत 20,000 से कम नहीं होगी। फिर उसने पल्लवी के हाथ में घड़ी का डायल पकड़कर कहा, और ये तुम्हारी घड़ी, इसके डायल में बेशकीमती हीरे लगे हुए हैं, आई थिंक ये 50 लाख की होनी चाहिए, और तुम्हारा पेंडल जिसमें इतने कीमती हीरे लगे हुए हैं, इसका तो मेरे लिए अंदाजा लगाना ही मुश्किल है। इतना कुछ होने के बाद भी अभी तुम्हारी ओर अट्रैक्ट क्यों नहीं होता हूँ? कहने के बाद साइशा सवालिया नजरों से उसकी ओर देखने लगी। इस वक्त साइशा की कही हर बात पल्लवी को तीर की तरह चुभ रही थी। वो जानती थी कि इस वक्त वो खुद पर कैसे कंट्रोल किए हुए है। पल्लवी ने उसकी आंखों में देखकर कहा, शायद अभय को बेड पर तुम ज्यादा अच्छी कंपनी देती होगी, इसीलिए तुम पर है। पल्लवी की बात सुनकर साइशा ने ठंडी सांस भरते हुए कहा, पता है पल्लवी, अभय तुम्हारे साथ क्यों नहीं है? क्योंकि तुम कभी उसकी फीलिंग्स समझ ही नहीं पाई, और आज भी तुम उसे सिर्फ हासिल करना चाहती हो। तुम उसे प्यार नहीं करती, तुम उसे मुझसे छीनना चाहती हो। जब तुम अभय को मेरे साथ देखती हो तब तुम्हारा ईगो हर्ट होता है। तुम ये सोचती हो कि वो तुम्हारे बगैर किसी और लड़की के साथ कैसे खुश है, वो तुम्हारे अलावा किसी और को कैसे प्यार कर सकता है, तुम ये सोचकर परेशान हो। पल्लवी ने उसकी ओर देखा और कहा, साइशा मैं यहाँ तुम्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ, और उल्टे तुम मुझे नीचा दिखा रही हो। मेरा यकीन मानो, मैं जो कर रही हूँ तुम्हारे भले के लिए कर रही हूँ। साइशा ने आंखें बड़ी करते हुए कहा, अच्छा तो तुम मुझे ये बताओ कि सही मायने में पति पत्नी का रिश्ता कैसा होना चाहिए? ये कहने के बाद साइशा सवालिया नजरों से उसकी ओर देखने लगी। उसके सवाल पर पल्लवी ने गहरी आवाज में कहा, मेरे ख्याल से पति पत्नी का रिश्ता गाड़ी के दो चक्कों की तरह होता है। जिस तरह गाड़ी के चक्के गाड़ी को बैलेंस करते हैं, ठीक उसी तरह पति पत्नी भी अपनी मैरिड लाइफ को बैलेंस करते हुए आगे बढ़ते हैं। कई बार पति ना समझे तो पत्नी को समझाने की कोशिश करनी चाहिए, और पत्नी ना समझे तो पति को समझाना चाहिए। यही असली शादीशुदा जिंदगी होती है। उसकी बात सुनकर साइशा जोर से हंसने लगी और उसने हंसते हुए कहा, अगर सचमुच तुम शादीशुदा जिंदगी के बारे में इतना कुछ जानती हो तो फिर तुम्हारी शादीशुदा जिंदगी में आग क्यों लगी हुई है? क्यों हर वक्त तुम्हारा पति तुम्हें छोड़कर चला जाता है? क्यों हर वक्त तुम्हारे इनसे ज्यादा अभय का ध्यान रखती हो? ये बोलकर वो चुप हो गई। पल्लवी ने उसे घूर कर देखा और कहा, तुम हद से आगे बढ़ रही हो। साइशा ने रिप्लाई किया, पल्लवी
और तुम तो अपनी सारी हदें भूल चुकी हो। बेहतर होगा कि तुम अपने पति पर ध्यान दो, क्योंकि आर्यन की वजह से ही तुम्हारे पास ये ब्रांडेड कपड़े, महंगी ज्वेलरीज हैं। जिस दिन आर्यन ने तुम्हें छोड़ दिया ना, तुम्हारे पास ये सब नहीं रहेंगे। पल्लवी ने चिढ़ते हुए कहा, मैंने तो सोचा था कि तुम्हें कुछ अच्छी बातें सिखा दूंगी और साथ में हम बच्चों के कपड़े भी डिसाइड कर लेंगे, लेकिन मुझे लगता है तुमसे कुछ कहना ही बेकार है। ये बोलकर पल्लवी गुस्से से उठकर खड़ी हुई और वहां से जाने लगी। साइशा की नजर टेबल पर पड़ी, जहां बच्चों के कपड़े की डिजाइन बुक रखी हुई थी। साइशा ने उसे आवाज देते हुए रोका और कहा, पल्लवी, उस डिजाइन बुक को लेकर जाओ और आइंदा तुम्हें मेरे बच्चे के कपड़ों की फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे बच्चे की फिक्र करने के लिए उसे और उसकी माँ को चाहने वाला अभय काफी है। ये बात साइशा ने उसकी आंखों में आंखें डालकर कही थी। उसकी आंखों में अजीब सी जिद थी। पल्लवी ने बिना कुछ कहे बुक लिया और वहां से वापस चली गई। शाम के 8 बजे इस वक्त अभय और साइशा डाइनिंग टेबल पर मौजूद थे। अभय जब से ऑफिस से लौटा था, वो साइशा को नोटिस कर रहा था। साइशा कुछ उदास है। इस बारे में उसने सैंडी से भी पूछा था, लेकिन सैंडी से उसे कोई सही जवाब नहीं मिला। अभय ने उसकी ओर देखकर कहा, साइशा मैं बहुत देर से देख रहा हूँ, तुम कुछ परेशान हो। साइशा ने उसकी ओर देखा और गहरी सांस लेकर कहा, अभय मैं यूनिवर्सिटी में जॉब करती हूँ, सिंपल नॉन ब्रांडेड कपड़े पहनती हूँ, महंगे परफ्यूम या महंगी ज्वेलरीज कैरी नहीं करती, तो कैसे तुम्हारा स्टेटस डाउन होता है? ये सवाल करने के बाद साइशा उसकी आंखों में देखने लगी। उसकी इस बात को सुनकर अभय ने आइब्रोज उचका कर कहा, नहीं बिल्कुल नहीं। अभय का जवाब सुनकर साइशा के दिल में राहत पहुंची। अभय ने उसकी ओर देखकर कहा, तुम्हें ऐसा किसने कहा कि आज सुबह पल्लवी तुमसे यही बकवास कर रही थी? हूँ। उसकी बात सुनकर साइशा सवालिया नजरों से उसकी ओर देखने लगी। अभय का जवाब आया, मैंने सैंडी से पूछा था, तब उसने बताया कि आज सुबह तुम्हें कॉलेज जाने में थोड़ा लेट हो गया था, क्योंकि पल्लवी तुमसे कुछ अर्जेंट बात करना चाहती थी। तो क्या उस बेवकूफ की अर्जेंट बात यही थी? कहते वक्त अभय की आंखों में गुस्सा था। साइशा ने आंखें गोल घुमाते हुए कहा, अभय क्या मैं तुम्हारे लिए परफेक्ट मैच नहीं हूँ? क्या तुम्हें ऐसा महसूस होता है कि मुझे अपने आप को बदलना चाहिए? हूँ। ये कहते वक्त साइशा की आंखें अभय की आंखों में थी। अभय ने नहीं में सर हिलाते हुए कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम जैसी हो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं कभी भी नहीं चाहता कि तुम अपने आप को बदलो। साइशा चुप हो गई। अभय ने उसकी ओर देख कर कहा, और क्या कहा? साइशा ने उसकी आंखों में आंखें डालकर देखा और कहा, उसका कहना है कि तुम एक दिन मुझे छोड़ दोगे, जब तुम्हारा दिल मुझसे भर जाएगा उस वक्त मैं अकेली हो जाऊंगी। इस बात की चिंता उसे हमेशा खाई जाती है। साइशा की बात सुनकर अभय ने दांत पीसते हुए सैंडी की ओर देख कर कहा, जाओ और पल्लवी को बुला कर लाओ, मैं अभी और उसी वक्त उससे बात करना चाहता हूँ। ओके सर, बोलकर सैंडी वहां से जाने लगा। लेकिन साइशा ने बीच में उसे रोकते हुए कहा, रुको सैंडी, तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है। उसका ऑर्डर सुनकर सैंडी हाथ बांधकर उसके पीछे खड़ा हो गया। अभय ने साइशा की ओर देखकर कहा, साइशा आज मैं तुम्हारे सामने उस पागल औरत को क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैं अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता हूँ, हमेशा अपनी पत्नी के लिए वफादार रहूंगा। उसकी बात सुनकर साइशा ने आंखें बड़ी करते हुए कहा, अभय ये बात कहने की नहीं होती है, करने की होती है, तुम्हें लफ्जों में कुछ कहने की जरूरत नहीं है। जवाब में अभय ने आंखें चौड़ी करते हुए कहा, साइशा जरूरत है, वरना वो बार बार तुम्हारे दिमाग में गलत फहमी भरने की कोशिश करेगी। ये कहने के बाद उसने सैंडी की ओर देखा और गुस्से से कहा, जाओ और उसे बुला कर लाओ। अभय पल्लवी से क्या कहेगा, आगे क्या होगा? जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट FM। अभय और साइशा अब तक डाइनिंग टेबल पर मौजूद थे। उनकी बातें अब तक जारी थी। कुछ देर बाद वहां सैंडी पहुंचा और उसने हमेशा की तरह अपनी सधी हुई आवाज में अभय की ओर देखकर कहा, सर मैंने पल्लवी मैडम को कहा कि आपने बुलाया है, तो उन्होंने कहा कि इस वक्त वो नहीं आ पाएंगे। उसकी ये बात सुनकर अभय ने साइशा पर नजर डाली और बड़े सॉफ्ट तरीके से कहा, तुम टेंशन मत लो, ये मैटर आज के आज सॉर्ट आउट होकर रहेगा, तुम आराम करो, मैं अभी आया। साइशा ने उसकी ओर देखकर कहा, अभय इट्स ओके, इन बातों को यही खत्म करते हैं। अभय ने होठों को गोल घुमाते हुए कहा, मैं तुम्हारा पति हूँ और ये मेरा फर्ज बनता है कि कोई भी मेरी पत्नी को कभी भी और कहीं भी परेशान करे तो मुझे इसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। मैंने कहा ना, तुम जाओ और आराम करो। ये कहते वक्त अभय की आवाज में उसका ऑर्डर समझ में आ रहा था। उसके ऑर्डर को समझकर साइशा ने चुप रहना ही बेहतर समझा। उसने हाँ में सर हिलाया और वहां से चुपचाप चली गई। अभय पैलेस के बैक साइड में पहुंचा, जहां गार्डन में पल्लवी मौजूद थी। इस वक्त वो बेंच पर बैठी हुई आसमान को देख रही थी। उसकी आंखों में अजीब सा सूनापन था। अभय की आहट पाकर पल्लवी ने बगैर उससे आई कॉन्टैक्ट किए, अभय तुम आ गए, मैं कब से तुम्हारा इंतजार कर रही थी, कितने दिन हो गए हमने साथ में बैठकर चांद को नहीं देखा। ये कहने के बाद पल्लवी ने मीठी नजर से अभय को देखा। अभय ने सबार लहजे में कहा,
अपनी जबान को लगाम दो, तुम्हारी जबान दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। ये कहते वक्त अभय के चेहरे पर कोई फेस एक्सप्रेशन नहीं था। अभय की ऐसी बातें सुनकर पल्लवी ने कंधे उचका कर कहा, अभय तुम क्या कहना चाहते हो, मैं कुछ समझी नहीं। जवाब में अभय ने बगैर उस पर नजर डाले दूसरी ओर देखते हुए कहा, तुम कोई छोटी बच्ची नहीं हो जो तुम्हें हर बात कहकर समझानी पड़े। अब तुम एक बच्चे की माँ बनने वाली हो, तुम मेरे भाई की बीवी लगती हो, इस रिश्ते से तुम मेरी भाभी हो, और अब तक तुम अपनी घटिया हरकतों से बाज नहीं आई, और ना ही तुम फ्यूचर में अपनी घटिया हरकत बंद करोगी। और मैं ऐसा तुम्हें इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि तुमने मुझे अपने घटियापन पर यकीन दिलाने के लिए बहुत मेहनत की है। ये कहते वक्त अभय के चेहरे पर उसका गुस्सा और उसकी आवाज में उसकी नफरत झलक रही थी। पल्लवी को अभय से इस बात की उम्मीद नहीं थी। पल्लवी ने गहरी सांस लेकर कहा, अभय तुम्हें देखकर मुझे हर बार ऐसा क्यों लगता है कि कोई इतनी जल्दी इतने कम समय में इतना ज्यादा कैसे बदल सकता है। ये कहते वक्त पल्लवी की आवाज में शिकायत थी। अभय ने आईब्रोज उचका कर कहा, पल्लवी तुम्हें अच्छी तरह पता है मैं कोई भी काम बहुत ईमानदारी से करता हूँ, बेईमानी मेरी रगों में नहीं है। अगर किसी से प्यार करता हूँ तो शिद्दत से करता हूँ, और अगर नफरत भी करता हूँ ना तो पूरे पागलपन के साथ करता हूँ। लेकिन तुम्हारे साथ में अपने नफरत का रिश्ता भी कायम नहीं रख सकता क्योंकि तुम मेरी भाई की वाइफ हो। पल्लवी ने तिरछी स्माइल देते हुए कहा, अभय मैं तुम्हें कितनी बार समझाऊं, आर्यन और मेरी शादी एक समझौते की शादी है, और मैं अब भी तुमसे प्यार करती हूँ। अभय ने होठों को गोल घुमाते हुए कहा, अपनी गंदी जबान बंद कर लो, मैं यहाँ इसीलिए आया था कि पूछ सकूं, या तो मुझे धोखेबाज समझती हो या फिर तुम्हारी नजर में मेरी बस यही कीमत है कि मैं एक कैरेक्टरलेस आदमी हूँ। उसके इतना कहते ही पल्लवी ने आंखें बड़ी करते हुए कहा, नहीं अभय मैं तुम्हारे बारे में कभी ऐसा सोच भी नहीं सकती, तुम मेरी नजरों में परफेक्ट इंसान हो। उसके इतना कहते ही अभय ने दांत पीसते हुए गुस्से से कहा, मुझे नहीं जानना है कि मैं तुम्हारी नजरों में कैसा हूँ। ये सवाल मैंने तुमसे इसीलिए किया था कि तुम अपना घटिया नजरिया मेरी पत्नी से दूर रखो, समझे तुम। उसके इतना कहते ही पल्लवी ने आंखें उचका कर कहा, अब समझ में आया, तुम मुझसे इस तरीके से इसीलिए बात कर रहे हो क्योंकि तुम्हें साइशा ने मेरे खिलाफ भड़का कर भेजा है, राइट। उसके इतना कहते ही अभय ने होठों को गोल घुमाते हुए कहा, नहीं ऐसी बात नहीं है, वो मेरी वाइफ है, और एक हस्बैंड वाइफ के बीच कोई बात सीक्रेट नहीं होती है, हम हमारी पूरी रूटीन एक दूसरे के साथ बैठकर शेयर करते हैं। ये कहते वक्त अभय की नजरें पल्लवी पर थी। अभय ने आगे अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, और हाँ एक चीज का हमेशा ध्यान रखना, मैं साइशा से बहुत प्यार करता हूँ और हमेशा करता रहूंगा, मैं उसके रिस्पेक्ट करता हूँ, वो चाहे तो मेरे खर्चे से हर ऐशो आराम पर इतरा सकती है। मैंने उसकी कबर्ड लेटेस्ट ट्रेंड के ब्रांडेड कपड़ों से भर कर रखी है, लेकिन उसे सादगी पसंद है इसीलिए वो सिंपल कपड़े पहनती है, लेकिन उसमें भी वो इतनी खूबसूरत लगती है जितनी की कोई ब्रांडेड कपड़े पहन कर भी नहीं लग सकता। ये कहने के बाद उसने नफरत भरी नजर उस पर डाली। अभय के मुंह से साइशा की तारीफ सुनना पल्लवी को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। उसने बात संभालते हुए कहा, अब अभय मैं मानती हूँ कि आज सुबह मैंने साइशा के साथ बातचीत की थी, लेकिन मेरे यकीन मानो मैं तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहती हूँ, इसीलिए मैंने उसे समझाने की कोशिश की कि अब वो तुम्हारी वाइफ है और उसे स्टैंडर्ड मेंटेन करना चाहिए, उसे भले ही ब्रांडेड कपड़े पहनना पसंद ना हो लेकिन उसे ये सब पहनना चाहिए क्योंकि वो तुम्हारी वाइफ है, इसीलिए उसे हर कोई देखता है और जानना चाहता है। ये सब मैंने तुम्हारी खातिर किया था, लेकिन तुम्हारी वाइफ को मानना पड़ेगा, उसने मेरी सही बातों को तुम्हारे सामने कितने गलत तरीके से पेश कर दिया, इस वजह से तुम मुझसे शिकायत करने आए हो। अभय ने आंखें गोल घुमाकर कहा, पल्लवी झूठ मत बोलो, तुम साइशा को मेरे खिलाफ भड़काना चाहती हो ताकि तुम हमारे रिश्ते में दरार डाल सको, तुम साइशा को मुझसे दूर करने की हर पॉसिबल कोशिश करती हो। ये कहते वक्त अभय की आंखों में उसका गुस्सा झलक रहा था। पल्लवी ने तुरंत बात बनाते हुए कहा, नहीं अभय मेरा यकीन मानो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ इसीलिए मैं तुम्हें हमेशा खुश देखना चाहती हूँ, ये सब मैं इसीलिए करती रहती हूँ, लेकिन मेरी किस्मत इतनी खराब है कि हर चीज उल्टी पड़ जाती है और चीजें बिगड़ जाती है। अभय ने उसे घूर कर देखा और कहा, तुम मुझसे दूर रहो, ये बेहतर होगा तुम्हारे लिए भी और मेरे लिए भी, और आइंदा मेरी वाइफ से बेफिजूल की बातें करने की कोशिश मत करना वरना अंजाम ठीक नहीं होगा। ये बोलकर अभय ने उस पर एक नजर डाली और वहां से चला गया। उसके वहां से जाने के बाद पल्लवी को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने गुस्से से दांत पीसते हुए कहा, साइशा मेरी आंखों से जितने आंसू निकल रहे ना, याद रखना ये आंसू तुमसे अपने हिसाब लेकर रहेंगे, और एक दिन तुम इतना रोओगी कि तुम्हें चुप कराने वाला, तुम्हें समझाने वाला कोई नहीं होगा। और उधर अभय जैसे ही अपने बेडरूम में पहुंचा, उसकी नजर बेड पर पड़ी। साइशा गहरी नींद में सो रही थी और उसके हाथ में उसकी बुक थी। उसके सोने के तरीके से समझ में आ रहा था कि वो बुक पढ़ते पढ़ते हुए
गहरी नींद में सो गई है। उसे देखकर अभय के चेहरे पर स्माइल आ गई। उसने धीरे से साइशा के हाथ से बुक लिया और बुक बंद करके साइड टेबल पर रख दिया और लाइट ऑफ करके उसके करीब आकर लेट गया। उसने उसे अपनी बाहों में लिटा दिया और उसके चेहरे की ओर देखने लगा। सोती हुई साइशा इस वक्त और भी ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। अभय ने उसके माथे पर किस किया और इस तरह दोनों की खूबसूरत रात कब बीत गई उन्हें पता नहीं चला। अगली सुबह साइशा रेडी होकर यूनिवर्सिटी पहुंच चुकी थी। इस वक्त वो स्टाफ रूम में बैठकर अपने लैपटॉप पर कुछ काम करने में बिजी थी कि तभी वहां मिसेस सिन्हा पहुंची। साइशा को देखकर उन्होंने कहा, साइशा, मिस्टर अग्निहोत्री ने तुम्हें अपने केबिन में बुलाया है। उनकी बात सुनकर स्माइल करते हुए हाँ में सर हिला दिया और एक बार फिर अपना काम करने लगी। उन्होंने अपनी बातों पर जोर देकर कहा, साइशा, उन्हें तुमसे कुछ अर्जेंट बात करनी है, इसीलिए उन्होंने तुम्हें तुरंत बुलाया है। साइशा ने तुरंत अपना लैपटॉप बंद किया और वहां से मिस्टर अग्निहोत्री की ओर चली गई। जैसे ही उसने केबिन का डोर नॉक किया, अंदर से कमिन की आवाज सुनकर वो अंदर पहुंची। उसकी नजर अंदर पहुंचते ही मिस्टर अग्निहोत्री की रिवॉल्विंग चेयर पर पड़ी। वो हमेशा उस चेयर पर मौजूद हुआ करते थे, लेकिन आज मिस्टर अग्निहोत्री वहां मौजूद नहीं थे। साइशा कुछ सोच पाती कि इसके पहले उसे मिस्टर अग्निहोत्री की आवाज आई। मैं तुमसे कुछ पर्सनल रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। साइशा ने उनकी आवाज सुनकर पीछे पलट कर देखा। प्रिंसिपल कॉर्नर में मौजूद थे। उन्होंने साइशा को भी अपने सामने बैठने का इशारा किया। उनका इशारा पाकर साइशा उनके सामने रखे सोफे पर सेटल हो गई। उसने मिस्टर अग्निहोत्री की ओर देखकर कहा, मुझे पता चला है कि आप मुझसे कुछ अर्जेंट बात करना चाहते हैं। मिस्टर अग्निहोत्री ने गहरी सांस लेकर उसकी ओर देखा। साइशा ने जैसे उनके चेहरे को गौर से देखा, उनके चेहरे पर परेशानी के भाव थे। उनका चेहरा देखकर ऐसा लग रहा था कि वो भी साइशा के सामने रो देंगे। उन्होंने अपनी आंखों से अपना पावर वाला चश्मा हटाकर टेबल पर रखा और साइशा की ओर देखकर कहा, साइशा, आलिया के सिलसिले में मुझे तुमसे बात करनी है। दरअसल ये बात मुझे वे सर से करनी थी, लेकिन मैंने उन्हें कई बार कॉल किया, उन्होंने मेरा कॉल रिसीव नहीं किया, इसीलिए मुझे मजबूर होकर ये बात तुमसे करनी पड़ रही है। ये कहते वक्त उनकी आवाज में परेशानी के भाव थे। साइशा सवालिया नजरों से उनकी ओर देख रही थी। उन्होंने एक बार फिर गहरी सांस ली और कहा, आलिया, मिस्टर अहलूवालिया फेमस फैशन डिजाइनिंग कंपनी में डायरेक्टर है और उसे ये जॉब राशि अहलूवालिया की सिफारिश पर दी गई थी। मिस्टर अग्निहोत्री के मुंह से राशि का नाम सुनकर एक पल के लिए साइशा हैरान हुई, पर कुछ सोचकर उसने गौर से मिस्टर अग्निहोत्री के चेहरे की ओर देखा। उन्होंने आगे अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, इसके अलावा राशि अहलूवालिया ने आलिया को बदले में अपने कुछ पर्सनल काम करने के लिए भी कहा था और आलिया ने उस काम को किया भी, लेकिन अब वो बहुत बुरी तरह से फंस गई है। राशि अहलूवालिया ने भी उसे अपना पल्ला झाड़ लिया है। अगर समय रहते आलिया की हेल्प नहीं की गई तो उसे 10 साल की जेल भी हो सकती है। ये कहते वक्त मिस्टर अग्निहोत्री की आंखों से आंसू का एक बूंद गिरा। उन्होंने तुरंत अपने पॉकेट से रुमाल निकाल लिया। साइशा की ओर देखकर उन्होंने आगे अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, साइशा, तुम मेरी बेटी की तरह हो। मैं आज एक बाप के रूप में तुमसे अपनी बेटी की जिंदगी की भीख मांग रहा हूँ, प्लीज मेरी बेटी को बचा लो। उनकी बात सुनकर साइशा को अच्छा तो नहीं लग रहा था, लेकिन उसने अपने आप को खड़ा करते हुए कहा, सर, मुझे आलिया के बारे में सुनकर दुख हुआ, लेकिन अगर उस पर पुलिस केस बना तो जरूर उसने राशि के साथ मिलकर कुछ इलीगल काम किया होगा और सॉरी टू से, लेकिन मैं इस काम में आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। ये कहते हुए साइशा उठकर खड़ी हो गई। एक बार फिर मिस्टर अग्निहोत्री ने जिद करते हुए उसकी ओर देखकर कहा, बेटी, एक बार एक बाप की खातिर तुम उसकी बेटी को बचा लो। ये कहते हुए उन्होंने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए और भपक कर रो पड़ा। उन्हें इस तरह रोते हुए देखना साइशा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। उन्होंने तुरंत उनका हाथ पकड़ लिया और कहा, नहीं सर, आप प्लीज ऐसा मत कीजिए। उन्होंने रोते हुए कहा, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारे पैर पकड़ने के लिए भी तैयार हूँ। प्लीज अभय से कहकर मेरी बेटी को बचा लो, क्योंकि मिस्टर अभय खन्ना ही एकमात्र ऐसे शख्स है जो मेरी बेटी को बचाकर वापस ला सकते हैं। अगर एक बार उसे जेल हो गई तो उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी, उसे बचा लो। ये कहते हुए वो जोर जोर से रोने लगे। साइशा ने उनकी ओर देख कर कहा, अब ठीक है, मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। ये बात सुनते मिस्टर अग्निहोत्री के चेहरे पर स्माइल आ गई और उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, प्लीज तुम इसी वक्त मेरे सामने अभय को कॉल करो। ये बात सुनकर साइशा के चेहरे पर परेशानी के भाव आ गए। साइशा आगे क्या करेगी, ये जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट FM। साइशा और मिस्टर अग्निहोत्री की बातें अब तक जारी थी। इस वक्त वो दोनों मिस्टर अग्निहोत्री के केबिन में मौजूद थे। साइशा ने कुछ सोचकर कहा, मैं घर जाकर अभय से इस बारे में बात करूंगी। उन्होंने अपनी बातों पर जोर देते हुए कहा, साइशा, तब तक बहुत देर हो जाएगी,
प्लीज मिस्टर अभय से अभी मेरे सामने बात करो। साइशा ने धीरे से हाँ में सर हिला दिया और अभय का नंबर डायल किया। दूसरी ओर से अभय ने जैसे ही फोन रिसीव किया, साइशा तुरंत बोल पड़ी, क्या तुम बिजी हो? दूसरी ओर से अभय ने शरारती लहजे में कहा, तुम्हारे लिए तो मेरे पास वक्त ही वक्त है, अगर मुझे मिस कर रही हो तो मैं तुरंत तुम तक पहुंच सकता हूँ। उसकी बात सुनकर साइशा ने सामने बैठे मिस्टर अग्निहोत्री पर नजर डाली। उनकी नजर साइशा पर ही थी। उसने गला साफ करते हुए कहा, अभय अब दरअसल मुझे तुमसे मिस आलिया अग्निहोत्री के बारे में कुछ अर्जेंट बात करनी थी। उसके इतना कहते अभय ने गहरी सांस लेकर कहा, कौन आलिया? जवाब में साइशा ने कुछ सोच कर कहा, हमारे कॉलेज के प्रिंसिपल मिस्टर अग्निहोत्री की बेटी आलिया अग्निहोत्री। उसके इतना कहते ही अभय ने कहा, हाँ कहो क्या काम था? साइशा ने धीरे से कहा, अभय इस वक्त आलिया बहुत बड़ी मुसीबत में है, क्या तुम उसकी हेल्प करोगे? अभय ने कोई जवाब नहीं दिया। कोई जवाब ना पाकर साइशा ने कहा, अभय क्या तुम मेरी आवाज सुन रहे हो ना? जवाब में अभय ने जवाब दिया, हाँ मैं तुम्हारी सारी बातें सुन रहा हूँ। साइशा के सामने मौजूद मिस्टर अग्निहोत्री ने साइशा को उसका मोबाइल स्पीकर में डालने का इशारा किया। साइशा ने फोन स्पीकर पर डाल दिया। दूसरी ओर से अभय की आवाज आई, वैसे आलिया कौन सी नई प्रॉब्लम में फंस गई है? ये बात अभय ने काफी बेपरवाही पर कही थी। साइशा ने फोन पर उसे सारी डिटेल्स बता दी। उसकी बात सुनकर अभय ने ठंडी सांस भरते हुए कहा, आई एम सॉरी, मैं आलिया की कोई मदद नहीं कर सकता क्योंकि वो जिस कंपनी में काम कर रही है वो मेरे अंडर में नहीं है। इस तरह दूसरी कंपनी के एम्प्लॉयज के निजी मामलों में जाकर काम करना ये सब मेरे डिक्शनरी में नहीं है, और वैसे भी वो राशि के चक्कर में पड़कर पुलिस केस में फंसी है तो उसे राशि के आगे ही हाथ फैलाना चाहिए, वो हमसे क्या सोचकर हेल्प मांग रही है? अभय के इतना कहते ही मिस्टर अग्निहोत्री ने रोते हुए कहा, मिस्टर खन्ना प्लीज आप मेरी हेल्प कीजिए, मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद होने से बचा लीजिए क्योंकि इस पूरे शहर में आप ही एक ऐसे शख्स है जो मेरी बेटी को इस मुसीबत से बाहर निकाल सकते हैं, प्लीज मिस्टर खन्ना। दूसरी ओर से अभय ने फोन कट कर दिया था। फोन कट होने के बाद भी मिस्टर अग्निहोत्री फोन पर गिड़गिड़ाए जा रहे थे। साइशा को इस तरह उनका बेबस होना अच्छा नहीं लग रहा था। साइशा ने उनकी ओर देखकर कहा, सर फोन कट हो चुका है। साइशा की लाइन सुनकर मिस्टर अग्निहोत्री ने परेशानी भरी नजर से साइशा की ओर देखा और हैरान होते हुए कहा, क्या फोन कट हो गया है? साइशा ने धीरे से हाँ में सर हिला दिया। उन्होंने सोफे पर अपना सर टिका लिया और आंखें बंद करके बोला, पता नहीं मेरी बेटी के साथ क्या होने वाला है। इस वक्त वो काफी परेशान थे। साइशा ने उनकी ओर गौर से देखा और वो बगैर कुछ कहे प्रिंसिपल रूम के बाहर निकल आई। बाहर आने के बाद उसने अभय का नंबर डायल किया। दूसरी ओर से फोन रिसीव होते ही साइशा बोल पड़ी, अभय इस वक्त मैं प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर आ चुकी हूँ। अभय ने सपाट लहजे में कहा, आलिया का कुछ नहीं हो सकता, उसने जो कुछ किया था और जो करने वाली थी उसे उसकी सजा तो मिलकर रहेगी। अभय की लाइन सुनकर साइशा ने आंखें से गोड़ कर कहा, अभय इसका मतलब आलिया को पुलिस केस में फंसाने में तुम्हारा हाथ है? तुमने ये सब जानबूझकर किया? हूँ। उसकी बात सुनकर दूसरी ओर से अभय की कड़क आवाज आई, जो कोई मुझे या मेरी फैमिली को नुकसान पहुंचाने की सोचता है उसके नुकसान में मैं कोई कमी नहीं करता। साइशा ने हैरान होते हुए कहा, अभय तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम आलिया को फंसाने के लिए लीगल तौर पर उसे गुनहगार साबित करोगे? हूँ। अभय का जवाब आया, हाँ उसमें गलत क्या है, वैसे भी तुम्हारी प्यारी बहन कोई काम लीगल तौर से तो करती नहीं है, उसके सारे काम इलीगल ही होते हैं, इसीलिए मेरा ये काम काफी आसान था। ये कहने के बाद अभय जोर जोर से हंसने लगा। साइशा से उसने अपनी आवाज सॉफ्ट करते हुए कहा, वैसे भी मेरी बीवी बहुत स्मार्ट है, मुझे अभी पता चला। उसकी इस बात पर साइशा ने उसे डांटते हुए कहा, अभय क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? कहीं आलिया को फंसाने के चक्कर में तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो गई तो? तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, और वैसे भी किसी को परेशान करना बहुत गलत बात होती है। अभय गौर से उसकी बात सुन रहा था। अभय ने जवाब दिया, अगर कोई आपको नुकसान पहुंचाए तब भी क्या आपको कुछ नहीं करना चाहिए? हम्म। जवाब में साइशा ने हिचकिचाते हुए कहा, ऑफ कोर्स करना चाहिए, लेकिन मुझे ये फिक्र खाई जा रही है कि कहीं आलिया को फंसाने के चक्कर में तुम पर कोई मुसीबत ना आ जाए। ये बात साइशा ने बहुत गहरे तरीके से कही थी। उसकी बात सुनकर अभय हंसने लगा। उसे साइशा की ये फिक्र अच्छी लग रही थी। साइशा ने क्यूट सा फेस बनाकर कहा, मुझे नहीं लगता कि मैंने कोई जोक क्रैक किया है जिसे सुनकर तुम इतना हंस रहे हो, इसमें हंसने वाली क्या बात है? हम्म। जवाब में अभय ने कहा, तुम बिल्कुल परफेक्ट बेबी हो, मुझे पता है मैंने बहुत अच्छी लड़की से शादी की है। उसकी बात सुनकर साइशा ने आंखें गोल घुमाते हुए कहा, अभय क्या सचमुच तुम्हारा दिमाग खराब है? इतनी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में भी तुम इतनी रोमांटिक बातें कैसे कह सकते हो? जवाब में अभय ने कहा, मुझे तुम्हारे साथ सोते हुए पूरे 10.5 महीने हो चुके हैं
और इस दौरान हम दोनों एक दूसरे के और भी ज्यादा करीब आ गए। मुझे लगता है तुम मुझसे प्यार करने लगी हो। साजा ने आंखें गोल घुमाते हुए कहा, अबे तुम पागल हो गए हो, तुम्हें आलिया के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। अबे उसकी बात सुनकर बोला, मेरी तारीफ करो। अचानक अबे को अलग टॉपिक में बात करते सुनकर साइशा ने आके सिकोड़ कर कहा, अबे तुम क्या कह रहे हो, क्या तुम्हारा दिमाग खराब है? अबे ने अपनी बातों पर जोर देते हुए कहा, बस मुझे कुछ नहीं सुनना, जल्दी मेरी तारीफ करो। साइशा को उसकी इस अजीबोगरीब बात पर कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वो उस बात पर हंसे या फिर अपना सर दीवार पर पटक ले। साइशा ने कुछ सोच कर कहा, और अगर मैंने तुम्हारी तारीफ नहीं की तो? जवाब में अभय ने उसके अंदाज में कहा, तो फिर मैं ये समझूंगा कि तुम चाहती हो कि मैं इसी वक्त तुम्हारे कॉलेज में आ जाऊं और तुम पूरे कॉलेज के सामने स्टेज पर खड़ी होकर मेरी तारीफ करोगी, ये तुम चाहती हो। उसने जैसे ही अपनी बात खत्म की, साइशा ने तुरंत हड़बड़ा कर कहा, नहीं नहीं, मुझे किसी पागल कुत्ते ने नहीं काटा है जो मैं ऐसा महान काम करूंगी। ये बात उसने काफी हड़बड़ा कर और एक सांस में कही थी। उसकी बात सुनकर अभय को हंसी आ गई, लेकिन उसने अपनी हंसी पर कंट्रोल किया और अपनी आवाज को थोड़ी कड़क करते हुए कहा, अच्छा जल्दी अपना और मेरा टाइम वेस्ट मत करो, मेरी तारीफ करो। उसकी इस बचकानी हरकत पर साइशा को हंसी आ गई। उसने सीरियस होकर कहा, अबे मुझे नहीं पता दुनिया तुम्हारे बारे में क्या सोचती है, लोग तुम्हारे बारे में क्या कहते हैं, लेकिन मुझे ये पता है जब से तुम मेरी जिंदगी में आए हो मेरी हर मुश्किल आसान हो गई है। एक वक्त ऐसा था जब मुश्किलें मेरा पीछा नहीं छोड़ती थी, एक वक्त ऐसा था कि हर रोज मेरी आंखों से आंसू निकलते थे, मैं हंसना भूल गई थी। मुझे लगा था कि कभी मेरी जिंदगी दुख के उन काले अंधेरों से निकल ही नहीं पाएगी, लेकिन जब से तुम मेरी लाइफ में आए हो मैं हर रोज खुलकर हंसती हूँ, हर रोज मेरी खुशियां दोगुनी होती जा रही है। ये सारी बातें साइशा बहुत सीरियस होकर कह रही थी और फोन के दूसरे साइड अभय बड़े गौर से उसके एक एक अल्फाज सुन रहा था और उसे साइशा के वर्ड्स बहुत सुकून दे रहे थे। उसने आगे अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहा, सच कहूं तो मुझे ऐसा लगता है अब मुश्किलें मुझसे डरने लगी है और ये सब तुम्हारी वजह से पॉसिबल हो पाया है। हर कोई मेरी तकदीर से चलता है क्योंकि मेरे पास तुम हो, मैं बहुत किस्मत वाली हूँ जो तुम जबरदस्ती मेरी लाइफ में घुस आए। ये लास्ट वर्ड कहने के बाद साइशा हंस पड़ी और फोन पर दूसरी साइड से अभय भी हंस पड़ा। साइशा ने गहरी सांस लेकर कहा, ऊपर वाले से हमेशा मेरी यही दुआ रहेगी कि हमेशा हम दोनों का साथ यूं ही बना रहे और मुझ पर तुम्हारा प्यार यूं ही बना रहे। अभय का जवाब आया, मुझे तुम्हारी ये बातें सुनकर बहुत अच्छा लगा और आज रात मैं तुम्हें इसका इनाम भी दूंगा। साइशा अभय की आवाज सुनकर शर्म से लाल हो गई। उसने बगैर कुछ कहे फोन कट कर दिया और मन में सोचने लगी, अच्छा हुआ जो इस वक्त अभय मेरे सामने नहीं था, वरना पता नहीं वो क्या करता। ये सोचकर वो अकेले में ही मुस्कुराने लगी। शाम के 7 बज चुके थे। साइशा कॉलेज के पास के मॉल में जाकर अपने के लिए कुछ शॉपिंग करके जैसे ही पैलेस पहुंची, उसे पैलेस के बैक साइड से जोर जोर से चिल्लाने और सामान फेंकने की आवाज सुनाई देने लगी। आवाज को सुनकर साइशा को बहुत अजीब लगा। वो तुरंत आवाज आने वाली डायरेक्शन की ओर बढ़ने लगी कि तभी सैंडी उसके पीछे दौड़ते हुए आया और उसने हंसते हुए कहा, मैडम आप प्लीज वहां मत जाइए। उसकी आवाज सुनकर साइशा ने पीछे पलट कर सैंडी की ओर देखा और आंखें से कोड़ कर कहा, सैंडी यार्ड से इतनी तेज आवाजें आ रही है, लगता है वहां कुछ प्रॉब्लम है, हमें चलकर देखना चाहिए। सैंडी ने गहरी सांस लेकर कहा, नहीं मैडम वहां कोई प्रॉब्लम नहीं है। साइशा ने सवालिया नजरों से उसकी ओर देखा और कहा, तो फिर ये तेज आवाज कैसी है? जवाब में सैंडी ने कहा, दरअसल ये आवाज पल्लवी मैडम की है, आज मैडम के कुक ने उनके पसंद का खाना नहीं बनाया, इसीलिए मैडम अपने कुक को चिल्ला रही है और जब उन्हें गुस्सा आता है तो वो इसी तरह घर की चीजें फेंकती है। सैंडी की बात सुनकर साइशा ने हैरान होते हुए कहा, यकीन नहीं होता पल्लवी जैसी वेल कल्चर्ड लड़की इतना वियर्ड बिहेव कैसे कर सकती है। जवाब में सैंडी ने कंधे उचका कर कहा, जी हाँ मैडम वो अक्सर ऐसे ही गुस्सा निकालती है। फिर सैंडी ने साइशा की ओर देख कर कहा, आप प्लीज पहले इसमें चलिए, आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। उसकी बात सुनकर साइशा ने हाँ में सर हिलाया और वहां से पहले इसके लिविंग रूम में आकर बैठ गई। कुछ देर बाद उसका मोबाइल बजा। उसने जैसे ही फोन देखा मोबाइल स्क्रीन पर अमित का नंबर डिस्प्ले हो रहा था। उसका नंबर डिस्प्ले होते देखकर साइशा के चेहरे पर क्यूट सी स्माइल आ गई। उसने जैसे ही फोन रिसीव किया दूसरी ओर से अमित की आवाज आई, मेरी प्यारी भाभी क्या मैं जान सकता हूँ इस वक्त आप क्या कर रही हैं? उसकी बात सुनकर साइशा ने उसके अंदाज में रिप्लाई किया, कुछ खास नहीं बस यूं ही, बल्कि तुम बताओ तुमने मुझे इतने दिनों बाद याद किया, जरूर मुझसे कोई काम होगा। वो ये बोलकर दूसरे साइड से उसके जवाब का वेट करने लगी। अमित ने गहरी सांस लेकर कहा, भाभी आप हमेशा अपने इस देवर को मतलबी लोगों की कैटेगरी में रखती हो, ये बात आपकी मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती,
क्या मैं अपनी प्यारी भाभी को यूं ही बिना किसी काम के कॉल नहीं कर सकता हूँ? सायशा को उसकी बात सुनकर हंसी आ गई। उसने ठंडी सांस लेकर कहा, बिल्कुल तुम कॉल कर सकते हो। अच्छा बताओ क्या काम है? अमित ने कहा, बहुत दिन हो गए आप मेरे बाहर नहीं आए हैं, इसीलिए आपको मैं आज डिनर पर इनवाइट कर रहा हूँ, आप प्लीज टाइम पर आ जाइएगा। उसकी बात सुनकर सायशा ने रिप्लाई किया, लेकिन अमित मैं वहां क्या करूंगी? उसके इतना कहते ही अमित ने अपनी आवाज थोड़ी कड़क करते हुए कहा, क्या करूंगी मतलब? आप वहां अपने इस हैंडसम देवर के साथ डिनर करेंगे और क्या, और प्लीज टाइम पर आ जाइएगा, मैं आपका वेट करूंगा, बाय। ये बोलकर उसने सायशा का जवाब सुने बगैर ही फोन कट कर दिया। आखिर अमित ने सायशा को बाहर क्यों बुलाया है? क्या उसके पीछे कोई वजह? आगे क्या होगा जानने के लिए सुनते रहिए पॉकेट एफएम।